हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ भाग्यश्री वानखेड़े फ्रॉम NIT पॉलिटेक्निक नागपुर, बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। आज जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए एक डिजिटल लैब का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये जो डिजिटल लैब दी गई है यहाँ पे पूरी, इस पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होता है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये कंप्लीट पोर्शन आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है डिजिटल लैब। यहाँ पे ये जो दिया गया है ब्रेडबोर्ड, जिस पे हम सर्किट भी कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्विचेस दी गई है, दीज आर कॉल्ड एज द इनपुट स्विचेस, यानी यहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं। इनपुट देने के लिए सबसे पहले अगर मैंने ये सर्किट को पावर ऑन किया तो मुझे यहाँ पे LED ग्लो होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब 230 वोल्ट का सप्लाई इस किट को आ रहा है, ये इंडिकेट हो रहा है। इसके बाद में डिजिटल सर्किट्स के लिए हमें 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत लगती है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट। तो अंदर एक सर्किट बना हुआ है जो AC टू DC कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्विचेस है ये सब इनपुट देने के लिए, और आपको पता है कि डिजिटल सर्किट का जो इनपुट होता है या तो 0 होता है या तो 1 होता है। अगर इस स्विच की पोजीशन मैंने डाउनवर्ड रखी तो इसका मतलब हम 0 दे रहे हैं। जैसे इसको ऊपर के डायरेक्शन में करेंगे द लाइट विल ग्लो, LED विल ग्लो, इट इंडिकेट्स दैट वी आर सप्लाइंग लॉजिक हाई। इसका मतलब हम 1 सप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 और 0 ये दो ही बाइनरी नंबर्स पे पूरा हमारा डिजिटल ऑपरेशन चलता है। तो देयर आर टोटल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल 19 स्विचेस आर देयर फॉर द इनपुट पर्पस। तो हम इनमें से कोई भी इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस पे हम 1010 दे सकते हैं। इसके बाद में सबसे पहले हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि अगर हमें सर्किट बनाना है तो सर्किट के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है 5 वोल्ट सप्लाई देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट दिया गया है दिस इज़ 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, उसके बाद माइनस 5 वोल्ट, प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट, यहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है ये दो ग्राउंड कनेक्शन दिए हैं, ठीक है, यानी हमें कोई भी IC का कनेक्शन अगर करना है तो सबसे पहले उसका VCC कनेक्ट करना होता है और उसका ग्राउंड कनेक्ट करना होता है सो दैट वो IC एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद में यहाँ से हम सप्लाई लेंगे, इसके बाद में यहाँ से हम इनपुट लेंगे, और जो भी हमारा आउटपुट आता है वो आउटपुट इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे स्पेशली आउटपुट LEDs दिए गए हैं, ठीक है। देयर आर टोटल 16 LEDs, 16 LEDs यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से अगर आप L8 को सिलेक्ट करते हैं तो ये L8 का कनेक्शन इस L8 नाम के LED के साथ में है, यानी यहाँ पे अगर हमने स्विच को दे दिया, आउटपुट दे दिया, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो ये हमारा LED ग्लो करेगा। अगर हमने कनेक्शन L6 को दिया तो हमारा रिस्पेक्टिव LED विल ग्लो। इसका मतलब आउटपुट को चेक करने के लिए ये सारे LEDs है, इनपुट को देने के लिए ये सारी इनपुट स्विचेस है, और हमें पावर सप्लाई को देने के लिए यहाँ से हम पावर सप्लाई जनरेट कर रहे हैं। तो अभी आज का जो प्रैक्टिकल है हमारा वो प्रैक्टिकल है वेरीफाई द डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब देखिए, आप लोगों को मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे डिमॉर्गन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल लिखते वक्त हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि डिमॉर्गन्स थ्योरम्स आर यूज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स बुलियन लॉजिक इक्वेशंस। अभी आप लोगों को पता है कि आप बुलियन लॉजिक इक्वेशंस पे अगर काम करते हो तो बड़े बड़े सर्किट्स या बड़े बड़े इक्वेशंस जनरेट होते हैं, लेकिन उन बड़े इक्वेशंस को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, उसको बहुत छोटा करने के लिए हम डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसके बाद में रिलीवेंट प्रोग्राम आउटकम्स क्या क्या है। प्रोग्राम आउटकम्स का मतलब कि हमारे पास MSBT ने डिसाइड करके दिए हैं कि पूरा डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद हमारे पास हमको 10 ऐसे प्रोग्राम आउटकम्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। उनमें से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 प्रोग्राम आउटकम्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है बेसिक नॉलेज।
बेसिक नॉलेज का मतलब होता है कि क्या हमारा मैथमेटिकल बेस या साइंस बेस जो बेसिक नॉलेज है, जैसे मैथमेटिकल बेस, अभी अगर हमको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक चीज़ें पता रहना ज़रूरी है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसलिए बेसिक नॉलेज ये सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिकल ये नॉलेज को ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमने यहाँ पे बेसिक नॉलेज लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन नॉलेज। अब हमने यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये दोनों रिलेटेड फील्ड की जानकारी मिलने वाली है। बेसिकली दिस प्रैक्टिकल इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इसीलिए ये डिसिप्लिन नॉलेज भी हमें देता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये भी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन नॉलेज को इंडिकेट करता है इस प्रोग्राम आउटकम को। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखने वाले हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट्स को चेक करने वाले। एंड लास्टली इंजीनियरिंग टूल्स। इंजीनियरिंग टूल्स का मतलब होता है कि क्या हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम प्रैक्टिकली एक किट यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द इंजीनियरिंग टूल। ये पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम में कौन सी कॉम्पिटेंसी या प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होने वाले हैं, तो हम कोई भी आईसी का कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हैं, उसके बाद में उस लॉजिक सर्किट्स का या गेट्स का फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद हमें डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, ये भी पता चलता है। इसके बाद में रिलेवेंट कोर्स आउटकम का मतलब कि इस प्रैक्टिकल को लेके हमारा कौन सा कोर्स आउटकम सेटिस्फाई हो रहा है। दिस प्रैक्टिकल बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 का जो कोर्स आउटकम है, दैट इज़ यूज बुलियन एक्सप्रेशन टू रियलाइज लॉजिक सर्किट, ये भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारे प्रैक्टिकल आउटकम्स कौन से कंप्लीट होने वाले हैं, तो हम पूरा डिमॉर्गन्स थ्योरम का सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका ऑपरेशन टेस्ट कर सकते हैं। लास्टली रिलेवेंट अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है कि वाइल ऑपरेटिंग द प्रैक्टिकल और वाइल परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, हाउ यू हैंडल द आईसीज एंड इक्विपमेंट, है ना, द ऑपरेशन शुड बी वेरी केयरफुल, और उसके बाद में हमको सारी सेफ प्रैक्टिसेस यानी फॉलो करनी है। अब आप देखिए कि हमें अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना है, तो सबसे पहले मुझे डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है ये पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमारा फर्स्ट थ्योरम डिमॉर्गन्स का क्या कहता है। डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम इज x प्लस वाई होल बार कैन बी रिटर्न एज x बार डॉट y बार। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे एक्सप्रेशन में। अगर इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इस बार को यहाँ से हटा दिया, तो ये बार कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये इक्वेशन मुझे इस टाइप से दिखेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू x बार डॉट y बार होल बार हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल दिए तो यहाँ पे हो गया। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला जो इक्वेशन है इसको कहा जाएगा राइट हैंड साइड। अब जब जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के साथ जितना ही आएगा, हम कहेंगे कि डिमॉर्गन्स थ्योरम हमारा ट्रू हो गया है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि x प्लस वाई का मतलब क्या होता है, सिंपली और गेट। तो यहाँ पे अगर मैंने सिंपली और गेट लगा दिया और यहाँ पे x और y दे दिया, तो ये रिजल्ट जो मेरा आएगा वो हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। अगर मैंने यहाँ पे नॉर गेट लगाया, नॉर गेट का रिजल्ट क्या आता है, x प्लस वाई होल बार, और इसको नॉट गेट अगर लगा दिया तो नॉट गेट से फिर से इस पे इन्वर्स हो जाएगा x प्लस वाई होल बार का बार, यानी ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई। तो इस टाइप से सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, और हमें दोनों सर्किट के रिजल्ट्स को चेक करना है कि LHS में जो साइड आ रहा है x प्लस वाई, उसको मुझे चेक करना है कि राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट्स के साथ में आता है या नहीं। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। ये स्टूडेंट आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक किट लगाई है, ये रेडीमेड किट है, इसके अंदर में कुछ ICs हमने इनबिल्ट कर दिए हैं, और ये IC का जो रिजल्ट आने वाला है हम लोगों का, जैसे ये जो दो गेट्स कनेक्टेड है तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा x प्लस वाई, और दूसरे जो सर्किट का रिजल्ट है उसका रिजल्ट मिलेगा मुझे x बार डॉट y बार होल बार। इसका मतलब ये है कि दिस इज LHS एंड दिस इज RHS।
अब इन दोनों के रिजल्ट्स अगर एक समान आते हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम को सेटिस्फाई किया है, क्योंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम के इक्वेशन में हमने ये दो इक्वेशंस लाके दिखाए थे। अब ये जो है अंदर में कुछ आईसीज लगी हुई है और आईसी को अगर मुझे ऑपरेट करवाना है तो मुझे सप्लाई लगेगा 5 वोल्ट का। अब वो सप्लाई के लिए अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई है, मैंने यहाँ से 5 वोल्ट लिया और यहाँ पे डायरेक्टली 5 वोल्ट का नॉब दिया है, तो ये 5 वोल्ट का नॉब मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका मतलब यहाँ से 5 वोल्ट का सप्लाई मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद में दिस इज ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड लेके हमने इस आईसी में ग्राउंड भी दे दिया है। इसका मतलब ये जो पूरा सर्किट है इसमें जो 5 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए थे वो ऑटोमेटिकली सभी आईसीज को मिलना शुरू हो गए। तो अभी हमारा सर्किट हमको चेक करना है, तो यहाँ पे दो इनपुट लगेंगे हमको, एक्स और वाई, और मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को कि ये इनपुट स्विचेस हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक्स को फर्स्ट वाले पिन के साथ में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, उसके बाद में वाई को भी मैं फर्स्ट वाले पिन के साथ, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड वाले पिन या थर्ड वाले कोई भी पिन ले सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हमने एक्स और वाई को दे दिया है इनपुट, इसके बाद में हम यहाँ से आउटपुट देंगे। तो ये एक्स प्लस वाई वाला जो आउटपुट है मैं यहाँ पे L12 नंबर के LED के साथ में ज्वाइन कर रही हूँ, और ये जो आउटपुट है सेकेंड वाला ये मैं L10 नाम के LED के साथ में ज्वाइन कर रही हूँ। अगर ये दोनों LED एक साथ ग्लो करते हैं इसका मतलब जो इसका रिजल्ट है वही इसका रिजल्ट आ रहा है ना। तो अभी इसको परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे चेक किया जाता है, ट्रुथ टेबल अगर मुझे चेक करना है तो ट्रुथ टेबल में एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा के लिए 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 इसी टाइप से हम ट्रुथ टेबल डिसाइड करते हैं। अब मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई 0 प्लस 0 करने के बाद क्या आना चाहिए, 0, 0 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आना चाहिए, और 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आना चाहिए, यानी हाई लेवल प्लस हाई लेवल हाई आना चाहिए। ये तो हो गया हमारा LHS। अब सेम वैल्यूज़ RHS की आनी चाहिए, ये अभी हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमने 0, 0 दिया तो यहाँ पे LED ग्लो नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन 0, 1 दिया तो LED ग्लो करना चाहिए। अगर इस टाइप से हम रिजल्ट्स करते हैं और दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS और हमारा डिमॉर्गन्स का पहला थ्योरम प्रूव हो गया है करके। अब हम सर्किट पे देखेंगे, अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू 0 रखी है, वाई की भी वैल्यू 0 रखी है, तो 0 प्लस 0 तो ये वाला जो रिजल्ट आएगा ये LED ग्लो नहीं करना चाहिए, तो ऑलरेडी ये LED ग्लो नहीं कर रहा है। और उसके बाद ये जो दूसरा आउटपुट है इसका भी LED ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर 0 है, इसका भी आंसर 0 है। लेकिन वही अगर हम एक्स की वैल्यू को 0 रखते हैं और वाई की वैल्यू को 1 करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल, तो 0, 1, 0 प्लस 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। और जैसे ही हमारा आउटपुट 1 आता है LED ग्लो करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू को मैं 1 करती हूँ तो ये 1 हो गया। जैसे ही ये आउटपुट मेरा 1 आया तो यहाँ पे LED ग्लो हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली ये सेकेंड वाला पार्ट भी ग्लो हुआ। इसका मतलब ये जो रिजल्ट मेरा यहाँ पे 1 आ रहा है तो सेकेंड वाला आउटपुट भी मेरा 1 आ रहा है। इसका मतलब डिमॉर्गन्स थ्योरम का पहला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये हो गया 0, 1 कंडीशन के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने एक्स को 1 कर दिया और वाई को 0, अब वाई को मैं 0 कर देती हूँ और एक्स को 1, जहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई फिर से 1 हो जाएगा आंसर। जैसे ही 1 हो जाता है आंसर, हमारा एक्स प्लस वाई का LED ग्लो करना शुरू कर देता है। और अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड वाला भी पार्ट हमारा 1 हो गया है। इसका मतलब ही ये दोनों हमारा दोनों कंडीशन हमने प्रूव करके दिखाई। तीसरा कंडीशन है कि दोनों 1, 1 करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 और वाई भी 1,
दोनों अगर हमने वन वन कर दिया तो वन प्लस वन ऑलवेज इक्वल टू वन, इसीलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट भी वन आया हुआ है और राइट हैंड साइड भी रिजल्ट भी वन आया है। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। अब हमें डिमॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम प्रूव करना है और डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम आप लोगों को पता है कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम क्या होता है, x इंटू वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, है ना। लेकिन अगर ये बार वाला टर्म हमने निकाल लिया तो ये बार इधर चला जाएगा, यानी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार होल बार। तो इसको कहते हैं हम एल एच एस और इसको कहते हैं हम आर एच एस। अब ये दोनों अगर इक्वल रिजल्ट देते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा डिमॉर्गन्स का सेकेंड थ्योरम प्रूव हो गया। अब उसके लिए हमको क्या फिर से ट्रुथ टेबल करना पड़ेगा, एक्स और वाई को या तो हम जीरो जीरो देके देखेंगे, जीरो वन देके देखेंगे, वन जीरो देखेंगे और वन वन, ये हमारी चार ही पॉसिबल कंडीशंस है, ये टू वेरिएबल्स है इसीलिए। अब एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो और वन इंटू वन वन। सेम ये वैल्यू अगर यहाँ पे आती है तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों भी सेम हैं। और ये हम कहाँ से प्रूव करते हैं, हमारे किट वाले प्रैक्टिकल। अभी देखिए मुझे डिमॉर्गन्स का सेकेंड थ्योरम प्रूव करना है, तो सेकेंड थ्योरम प्रूव करने के लिए एक्स इन टू वाई ये पहला एल एच एस होना चाहिए, एक्स बार प्लस वाई बार एंड होल बार ये आर एच एस होना चाहिए। तो सर्किट कनेक्शन मेरे यहाँ पे आने चाहिए, तो पहले वाले सर्किट के सारे कनेक्शंस मैं यहाँ से निकाल देती हूँ और ये आउटपुट भी यहाँ से निकाल देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे इनपुट लगाना है, तो दिस एक्स इज कनेक्टेड हियर नाउ, वाई इज कनेक्टेड हियर नाउ, इसका मतलब ये दोनों भी मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिए है। अब मुझे आउटपुट यहाँ से लेना है, तो पहला वाला जो आउटपुट रहेगा एक्स इंटू वाई ये मैं यहाँ से दे रही हूँ और दूसरा वाला आर एच एस वाला जो है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। अब हमें दोनों रिस्पेक्टिव एलईडीज को चेक करना है, या तो दोनों की वैल्यू जीरो जीरो आनी चाहिए, ये अगर वन आता है तो ये भी वन आना चाहिए, ये जीरो है तो ये भी जीरो। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए, एक्स की भी वैल्यू जीरो है, वाई की भी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब जीरो इंटू जीरो, मैंने एक्स को भी जीरो दिया वाई को भी जीरो दिया, यहाँ का रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इंटू वाई जीरो इंटू जीरो, ये जीरो इंटू जीरो जीरो आया, इसका मतलब यहाँ पे जीरो गया तो ये एलईडी ग्लो करेगा क्या, नहीं, इसलिए ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। अब आप दूसरा वाला आपका आउटपुट देखिए, दूसरा वाला भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी जीरो ही है, इसका मतलब जीरो इंटू जीरो दोनों भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो जीरो ही आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, एक्स को जीरो रखते हैं और वाई को वन करते हैं। अब मैंने y को 1 कर दिया x को 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 फिर से 0, इसलिए ये आउटपुट 0 ही आ रहा है, अभी भी LED ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी वाला LED अभी भी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों LHS और RHS सेम लेवल पे चल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि x को 1 कर देते हैं और y को 0 कर देते हैं। तो x की वैल्यू मैंने 1 दे दी, अभी यहाँ पे x 1 हो गया, यहाँ पे y 0 हो गया, तो 1 इंटू 0 रिजल्ट विल बी 0, तो ये 0 यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, एलईडी को 0 मिल रहा है तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। वैसे ही एलएचएस वाला एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है तो आरएचएस वाला भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एलएचएस एंड आरएचएस आर सेम। लेकिन अगर हम दोनों को 1-1 रखते हैं, एक्स भी 1 वाई भी 1, तो आप देखिए चेंज कहाँ पे हो रहा है, एक्स 1 वाई 1 एक्स इंटू वाई दोनों का रिजल्ट 1 आ जाएगा, 1 मिल रहा है इस एलईडी को, एलईडी विल ग्लो, ये एलएचएस वाला एलईडी ग्लो कर रहा है, साइमल्टेनियसली आरएचएस वाला भी एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब वी कैन प्रूव दैट कि एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल टू आरएचएस। इन दिस वे वी कैन प्रूव द डिमॉर्गन्स थ्योरम बाय यूजिंग दिस रेडीमेड किट, है ना। और इसके सर्किट से हम डिसाइड कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए एलएचएस शुड बी इक्वल टू आरएचएस। थैंक यू।